खेल यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों का क्या स्टैंड है और आगे? देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों में हम लोगों ने कलेक्टर ऑफिस के सामने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो मराठवाड़ा का हक था, जो औरंगाबाद का हक था, उसको जो है तो शिवसेना और एनसीपी की आपसी रणनीति की वजह से, पॉलिटिकल एम्बिशन की वजह से, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा को मिलना चाहिए था, औरंगाबाद को मिलना चाहिए था, वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है तो पुणे में शिफ्ट कर दी गई। हमने इसके ताल्लुक से जो है तो धरना भी दिया है कलेक्टर ऑफिस के सामने। आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों के अंदर जो है तो मजलिस इसके खिलाफ जो है तो कड़ा विरोध जताने वाली है। जो भी स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री हो या पालक मंत्री हो या जो भी स्टेट गवर्नमेंट के ताल्लुक से रखने वाले जो भी मिनिस्टर औरंगाबाद में आएंगे तो मजलिस उन मिनिस्टर्स का घेराव करेगी। हम उनसे अपना हक मांगने की कोशिश करेंगे, हम उनसे सवाल करेंगे और सवाल करना हमारा हक है। मैं समझता हूँ कि तमाम औरंगाबाद के लोगों का, तमाम मराठवाड़े के लोगों का ये मुद्दा है, ये हमारा पर्सनल, हमारी सबकी राय है कि जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पूना में शिफ्ट कर दी गई है वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वापस से औरंगाबाद में दी जानी चाहिए। पूना में ऑलरेडी एक यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी बड़ी है, तो वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑलरेडी वहाँ पर होने के बावजूद ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो मराठवाड़ा का हक था उसको छीन कर, औरंगाबाद से, मराठवाड़ा से छीन कर उसको पूना क्यों लेके जाया गया? ये सवाल हम आने वाले दिनों में, आने वाले जो भी मिनिस्टर औरंगाबाद में आएंगे हम उनसे ये सवाल करेंगे, उनका रास्ता रोकेंगे और उनसे हम जो तो अपना कल एक अल्पसंख्यक के सदर आए थे महाराष्ट्र के, राष्ट्रवादी के, उन्होंने कहा कि हम MIM का सफाया कर देंगे आने वाले दिनों में यहाँ से, औरंगाबाद से। देखिए, ये सारी बेस्टेस बातें हैं। आपने हमारे से बात हमारे काम की बुनियाद पे करना चाहिए। आपने बात जो है तो किस तरीके से मजलिस औरंगाबाद में काम कर रही है, नहीं कर रही है, उसके ताल्लुक से करना चाहिए। ये सफाया क्या है? ये सफाया करने वाली ज़ात से वल्ला की है, किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी की वो ताकत नहीं है। और इंशाल्लाह मजलिस और आने वाले दिनों में औरंगाबाद में मजबूत होगी। जिस तरीके से अब मजलिस पूरे ज़िले में, पूरे देश में, हर जगह मजबूत हो रही है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप जो है तो आपकी छाती के ऊपर जो है मजलिस का झंडा औरंगाबाद में देखिए।